नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शांति सिंह और आज मैं आपको बताऊंगा गाड़ियों के बारे में जानकारी, मिनीवल गाड़ियों के बारे में जानकारी और ऑटोमेटिक गाड़ी के बारे में जानकारी। ऑटोमेटिक गाड़ी जब भी आप चलाएं, इसके जो चलाने के तरीके होते हैं क्या होते हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर आप बड़ी गाड़ी चलाना जानते, बड़ी गाड़ी चलाना चाह रहे, जैसे बड़ी गाड़ी हो गई, जैसे मतलब बहुत बड़ी गाड़ी, BMW, प्राडो या फिर जेगवार, तो इनके जो नियम होते क्या होते हैं। ये आपका गियर लीवर है, इसके बगल में लिखा होगा PDRN, इस प्रकार के चिन्ह लगे हुए लिख के। तो जब आपकी गाड़ी डी में होगी तो गाड़ी आगे चलेगी, एन में न्यूट्रल और रिवर्स, आर मतलब रिवर्स, डी मतलब आगे चलेगी, एन मतलब न्यूट्रल, पी मतलब पार्किंग। और ये स्क्रीन भी होगी सामने, जो आप जिसमें यहां पे आप लीवर करेंगे, बटन होगा ऐसे दबा करके आप जब करेंगे तो वही चीज आपकी स्क्रीन पे आएगी। इसमें कलच नहीं होगा, एक्सीलेटर ब्रेक होगा, और ब्रेक का इस्तेमाल इसमें बड़े ही ध्यान से करना होता है। आप झटके से इसमें ब्रेक नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत ज्यादा झटका खाएगी गाड़ी, ये भी आपने ध्यान रखना है। ब्रेक को आराम आराम दबाने से ही ब्रेक आपका लग जाएगा, जहां पर आप सोचोगे, मतलब सपोज आपने एकदम से रोकनी है यहां पे, तो स्पीड कम होनी चाहिए फिर आपकी, बिल्कुल जीरो पॉइंट पे गाड़ी होनी चाहिए तब तो ठीक है। लेकिन अगर 20 30 40 50 की स्पीड में आप अगर तेजी से ब्रेक मारेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा गाड़ी को भी और आप लोगों को भी, इसलिए ऐसा नहीं करना है। ब्रेक का प्रयोग इसमें आराम से किया जाता है। मेन ये चढ़ाई में गाड़ी पीछे नहीं आती, इंच भर भी गाड़ी पीछे नहीं आती है, खड़ी चढ़ाई में भी आगे जाती है। दो, तीसरी बात, ऑटोमेटिक गाड़ी में क्या होता है, ऑटोमेटिक गाड़ी की जो रफ्तार होती है बहुत हाई हो जाती है, इसलिए इसको ज्यादा रफ्तार में नहीं ले जाना है, नहीं तो कंट्रोल करना मुश्किल भी हो सकता है। मुश्किल क्या होता है कि आदमी ऑफलेस हो सकता है क्योंकि इसकी रफ्तार ही इतनी है, ये इंसान को ऑफलेस करने में बहुत तेज होती है गाड़ी, क्योंकि इसकी रफ्तार 200 तक भी होती है और हमें 70-80 से ऊपर गाड़ी नहीं चलानी है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चलाना चाहते हो तो 100 तक चलाइए ऑटोमेटिक गाड़ी को, वो भी हाईवे में, और इससे ज़्यादा ये खतरे का साधन है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं चलाना है। कंपनी ने इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा इसलिए दी क्योंकि वो जानदार गाड़ी है, हाईवे के लिए गाड़ी है। लेकिन ऑफलेस आदमी तब होता है इसमें जब अचानक में सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आ जाता है या रोड खराब आती है, तो ब्रेक जब लगता है इसमें तो ब्रेक को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें ब्रेक आप एकदम से नहीं मार सकते, और अचानक में अगर आप भूल गए ब्रेक के ऊपर पांव रख करके रखे रह गए तो वो दिक्कत हो जाएगी। फिर सावधान तरीके से गाड़ी को चलाना पड़ता है। इसमें ब्रेक का इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया जाता है, यानी झटके से ब्रेक नहीं मार सकते। दोस्तों, ऑटोमेटिक गाड़ी के जैसे जेगवार होती है, ये जेगवार के बारे में आपको बता रहा हूं, तो सबसे पहले आपने हाथ में चाबी ली, चाबी को आपने दबाया, उसमें जो निशान बने होते हैं खोलने के, ऑफ के, ऑन के, वो दबाया, ऑन दबा और आप अंदर बैठे। अंदर बैठने के बाद जैसे आप अंदर बैठे, गाड़ी ऑन हुई और जैसे आपने इंजन स्टार्ट किया, तो उसका एक गोल घेरा बना होता है जहां गियर लीवर होता है, उसमें गियर लीवर, किसी किसी गाड़ियों में जेगुआर में गियर लीवर कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम से बना रहता है, जैसे ऑन करो वो सारे के सारा नीचे से बाहर आ जाता है और जब गाड़ी इंजन जब ऑफ करेंगे तो वो अंदर चले जाता है, क्योंकि मैंने ये गाड़ी चला रखी है। तो इसी जेगवार जी के, जेगवार गाड़ी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि जेगवार गाड़ी का सिस्टम क्या होता है, कि जेगवार गाड़ी का सिस्टम क्या होता है, सारा ऑटोमेटिक होता है और इसमें भी सिस्टम वही है, सामने स्क्रीन लगा होगा, वो बटन जो अंदर चले जाता है वो गोल, मतलब पूरा घेरा होता है वो, उसमें गियर लीवर होता ही नहीं है, वो गियर लीवर इतना सा वो बटन दे रखा उन्होंने, उसी में उसको घुमाना है और वहीं DN सब लिखा रहता है उसमें, और उसी के सामने स्क्रीन में आएगा वो, तो वो चीज़ जब गाड़ी इंजन जब बंद करते हैं तो वो चीज़ सब नीचे चली जाती है और नॉर्मल हो जाती है, और जब इंजन खोलता है तो वो चीज़ सब बाहर आ जाती है। इसे मैं यही कहूंगा, एंड वेरी ब्यूटीफुल गाड़ी और गाड़ियों में सबसे सुपर सुपर स्टार गाड़ी एंड जेगवार, वेरी ब्यूटीफुल सुपर स्टार गाड़ी जेगवार,
के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, वेरी ब्यूटीफुल सुपरस्टार गाड़ी जेगुआर के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं कि जेगुआर गाड़ी को कैसे चलाया जाता है और उसके जो ऑटोमेटिक जो नियम है, ऑटोमेटिक जो फंक्शन है, सुपरस्टार गाड़ी जेगुआर एंड वेरी ब्यूटीफुल गाड़ी जेगुआर गाड़ियों में सबसे बढ़िया गाड़ी इसलिए भी है क्योंकि उसका जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो अलग ही तरीके से, जब आपने आपका अपना जो लुक जो दिखाता है, जैसे इंजन ऑन करते हो बाहर आ जाता है और ऑफ करने के बाद वो सिस्टम अंदर चले जाता है गियर लीवर का, एंड वेरी ब्यूटीफुल। तो इस गाड़ी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही बढ़िया गाड़ी है और चलाने का नियम ऑटोमेटिक, इसमें क्लच नहीं होता है, एक्सीलेटर ब्रेक होता है, उसके बाद वही सिस्टम होता है आर डी एन पी, पी का मतलब पार करना यानी खड़ा करना, एन का मतलब यानी न्यूट्रल, और डी का मतलब आगे ड्राइव करना, और आर का मतलब पीछे रिवर्स करना। लेकिन इसमें कोई गियर लीवर नहीं है, ऐसा बड़ा वाला नहीं है इसमें, इसमें एक बटन सा रहेगा इतना सा, और उसको ही घुमाना पड़ता है, जैसे ऐसे घुमाया ऐसे घुमाया, उसी के सामने वो निशान लगे रहते हैं और स्क्रीन में आता है और आप ड्राइव कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया गाड़ी। अब बात करेंगे प्राडो के बारे में। प्राडो भी एक ऐसी गाड़ी है कि प्राडो में जब आदमी बैठता है और गाड़ी को चलाता है कि लगता है कि हाँ गाड़ी हो तो प्राडो जैसी हो, क्योंकि प्राडो गाड़ी की रफ्तार बहुत ही तेज है और चलाने में बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही बढ़िया है। प्राडो गाड़ी में क्या है, वही आर, वही पी डी आर एन, पी का मतलब पार्किंग, आर का मतलब रिवर्स, डी का मतलब ड्राइव, और एन का मतलब न्यूट्रल। इसमें लीवर है, गियर लीवर है इसमें, और उसी के साइड में सब लिखा रहता है, सामने स्क्रीन है। इसमें भी क्लच नहीं होता, एक्सीलेटर और ब्रेक होता है। इसमें एक खासियत होती है, ये चढ़ाई में गाड़ी पीछे नहीं आती, एक, और ये जल्दी से गर्म नहीं होती है, चलती बहुत तेज है, आप इसको काफी लंबे सफर में ले जा सकते हैं, जैसे बंबई जाना हो। ये गाड़ी आपको बंबई, अगर ये बंबई अगर 2000 किलोमीटर है तो मेरे हिसाब से तो ये गाड़ी जो आपको 2000 किलोमीटर, अब वो ड्राइवर के ऊपर बात है कि कितने समय में पहुंचा सकता है, लेकिन लंबे सफर के लिए गाड़ी बहुत ही बढ़िया है प्राडो। तो मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो लोग ये सोचते कि ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल है, उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूं कि मिनीवल गाड़ी से बहुत ईजी और आसान है ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना, क्योंकि मैं चला चुका हूं। अब बात करेंगे बीएमडब्ल्यू की। बीएमडब्ल्यू की जो बात होती है, ये अभी जो मैंने जेगुआर के बारे में और इसके बारे में बताया प्राडो के बारे में, ये बटन से स्टार्ट होती है, इसमें एक इंजन नाम का बटन होगा, उससे स्टार्ट होगी। स्टार्ट करते समय साथ में ब्रेक को पुश करना पड़ेगा, यानी ब्रेक को भी दबाना पड़ेगा। और रही बात हैंड ब्रेक की, तो हैंड ब्रेक इन गाड़ियों में ऐसे होते हैं, अपराडो में तो ऐसे वाला खींचने वाला है, लेकिन किसी किसी गाड़ियों में ऐसे होते हैं अंगूठे, जैसे जेगुआर में तो अंगूठे आकार का होता है, या साइड में भी होता है, नीचे भी होता है, अंगूठे आकार का होता है, उसे ऊपर करो ऐसे करके तो लॉक हो जाएगा, नीचे दबा दो तो ऑन हो जाएगा। सारी चीजें समझ आ जाती है जब आदमी गाड़ी में बैठता है। लाइट के बटन होते हैं, सीट आगे पीछे के बटन होते हैं, दरवाजे में बटन होते हैं, और किसी किसी गाड़ियों में ऑटोमेटिक गाड़ियों में क्या होता है कि चाबी होती है, जैसे में चार्जर है, लेकिन इसको आप चाबी समझ लो थोड़ी देर के लिए, तो ऐसे आगे बना होगा एक सुराग जैसा होगा आगे बोनट में बना हुआ, उसमें जब आप पूरी चाबी पुश कर दोगे, डाल दोगे, तो पूरी चाबी को जब आप डाल दोगे अंदर तो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ऑटोमेटिक गाड़ी की बात बता रहा हूं। अलग अलग तरीके की गाड़ियां होती है, अलग अलग नियम होते हैं। अभी मैंने दो चार गाड़ियों के बारे में बताया, बीएमडब्ल्यू में भी ये चाबी, किसी किसी बीएमडब्ल्यू में चाबी अंदर डालनी पड़ती है तब गाड़ी स्टार्ट होती है, किसी गाड़ी में बटन दबा के स्टार्ट होती है, साथ में ब्रेक फूस करना पड़ता है, यानी ब्रेक भी दबाना पड़ता है, इन गाड़ियों में क्लच नहीं होता है। दोस्तों जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और कॉमेंट जरूर कीजिएगा, और कुछ अब बात आप पूछना चाहते हो मुझसे ड्राइविंग के विषय में तो मेरा फोन नंबर यदि आप ऑटोमेटिक गाड़ी के बारे में कुछ मेरे से फोन के माध्यम से पूछना चाहते हैं और जानकारी चाहते हैं, मुझे अपने घर में बुलाना चाहते हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं ऑटोमेटिक गाड़ी को भी आपको सिखा दूंगा 200 रुपए घंटे के हिसाब से।
तो इसमें 9 मेरा फोन नंबर है 9412936410, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने घर में बुला सकते हैं। आपने ऑटोमेटिक गाड़ी खरीद ली, अब चलाने में थोड़ी अगर दिक्कत हो रही है या मन में शंकाएं हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे चलाना बहुत ईजी है, आसान है और धीरे धीरे आदमी सब कुछ सीख जाता है, लेकिन अगर फिर भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जैसे मर्सिडीज होती है, जैसे आप मर्सिडीज गाड़ी की, तो मर्सिडीज गाड़ी ऑटोमेटिक, मर्सिडीज की बात कर रहा हूं, ऑटोमेटिक मर्सिडीज की बात कर रहा हूं, तो मर्सिडीज में क्या है, मैंने बोला चाबी आपने दबाया, ऑन हुई गाड़ी, उसमें लाइट जलती है, जहां से इंडोर से अंदर एंट्री करते हैं कार में, वहीं से पूरी चारों तरफ लाइट जलती है, आप अंदर बैठे तो गाड़ी के जो है दाहिनी तरफ पिन होती है, अभी मैंने बताया आपको, और स्क्रीन होती है, उस माध्यम से गाड़ी चलती है, उसमें भी क्लच नहीं होता है, एक्सीलेटर ब्रेक होता है। इन गाड़ियों में मेन चीज क्या है, ब्रेक का इस्तेमाल बड़े समझदारी से करना है, आराम से, झटका तब, इसमें झटका बहुत बड़ा लगता है, अगर आप एकदम से दबाएंगे इसको तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आराम से ब्रेक मारना है इसमें, ये एक मेन कला है ड्राइविंग की इसमें। दोस्तों यदि आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है, आपके काम आने की बातें हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपके लिए 24 घंटे तैयार हूं, और आप मुझे बुला भी सकते हैं, यदि आप गाड़ी सीखना चाहते हैं, आपके पास खुद की मर्सिडीज है या BMW प्राडो ऐसी गाड़ी है जो आप नहीं चला पा रहे, तो आप मुझे याद कर सकते हैं, और मेरा फोन नंबर है 9412936410, 9412936410 मेरा फोन नंबर है, ये फोन करके आप मुझे बुला सकते हैं 200 रुपये घंटे के हिसाब से, और आप यदि 15 दिन भी गाड़ी सीखेंगे तो काफी कुछ आप सीख जाएंगे, यूं कहो कि पूरी गाड़ी आप चला लो। दोस्तों जो मैंने ये आपको YouTube के माध्यम से जो गाड़ियों के बारे में जानकारी दी है, यदि आपको पसंद आई है तो लाइक और कॉमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें आप।